बीएसपी प्रमुख के प्रति गिरगिट की तरह अपना रंग बदला है। समाजवादी पार्टी तो प्रधानमंत्री बनाने के लिए सपना देख रही थी। बसपा प्रमुख मायावती ने 15 जनवरी को अपने जन्मदिन के मौके पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में लोकसभा चुनाव में अकेले ही चुनाव लड़ने का ऐलान करते हुए समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को गिरगिट की तरह रंग बदलने वाला बताया। फैसले वाले बयान के एक दिन बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि हम मायावती को पीएम बनाना चाहते हैं, लेकिन वह किसी के दबाव में हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि हम तो बसपा प्रमुख मायावती को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, लेकिन वह हमारे खिलाफ गिरगिट जैसी भाषा का इस्तेमाल कर रही हैं। भाजपा का नाम लिए बिना उन्होंने कहा कि शायद उन पर किसी से ऐसा करने के लिए दबाव दिया गया है। मायावती ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था कि सभा मुखिया ने बसपा के लोगों को गुमराह करने के लिए बसपा प्रमुख के प्रति गिरगिट की तरह रंग बदला है। इस संबंध में एक सवाल के जवाब में अखिलेश ने बाराबंकी में कहा कि समाजवादियों की कोशिश रही है कि सभी विपक्षी दलों को जोड़ने का प्रयास हो, हमारी कोशिश रहेगी कि इंडिया गठबंधन मजबूत हो। अखिलेश ने कहा कि हमने तो यह भी संकल्प लिया था कि देश की प्रधानमंत्री उस वर्ग से हो जिन्होंने हजारों साल समाज की तमाम बुराइयों का सामना किया। सपा तो उन्हें प्रधानमंत्री बनाने का सपना देख रही थी, उस दिशा में काम भी किया। वहीं मायावती ने रंग बदलने की बात कह रही हैं, शायद उन पर कहीं से दबाव है। क्या कहेंगे मायावती को, क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, समाजवादियों की कोशिश रही कि सभी दलों को जोड़ने का प्रयास हो, और इधर अखबारों और टीवी के माध्यम से तरह तरह के रूमर भी उड़े। हमारी कोशिश लगातार रहेगी कि इंडिया गठबंधन कैसे मजबूत हो, इंडिया गठबंधन में कैसे और दल जुड़े। जहां तक आप बहुजन समाज पार्टी के बारे में कह रहे हैं, समाजवादियों ने तो सम्मान देने का काम किया है, और हमेशा सम्मान कैसे बढ़े उसका भी कभी आपने देखा होगा। मुझे तो वो समय याद है जब समाजवादियों ने संकल्प लिया था कि देश की प्रधानमंत्री उस वर्ग से हो जिन्होंने समाज के तमाम बुराइयों का सामना किया है हजारों साल। और याद कीजिए, समाजवादी पार्टी तो प्रधानमंत्री बनाने के लिए सपना देख रही थी, और उसमें काम भी किया हम लोगों ने। तो समाजवादी लोग देश के प्रधानमंत्री तक पहुंचाने के लिए, लेकिन ये जो भाषा आई है, जब मैंने ये कहा कि हम लोग सम्मान देंगे और सम्मान देना चाहिए, क्योंकि जब पीडीए की बात हम करें, पीडीए में हमारे दलित भाई भी हैं, आदि आबादी भी है, और जब आदि आबादी को सम्मान की बात कहें तो वो इस तरह रंग बदलने की बात कह रही हैं। वो इसलिए कह रही होंगी, शायद उन पर दबाव कहीं से है, दबाव की वजह से ऐसी बात कह रही होंगी। अखिलेश ने कनाडा सरकार के आरोपों को लेकर भी केंद्र की भाजपा सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि क्या दूसरे देश में जाकर हमारी सरकार हत्या कराएगी। कनाडा के प्रधानमंत्री ने भारत की सरकार पर यह आरोप लगाया है, और अमेरिका ने डबल एजेंट को पकड़ लिया है। सोचिए, विश्वगुरु का सपना दिखाने वाले किस आरोप में फंस रहे हैं। जब सच्चाई दुनिया के सामने आएगी तब हमारा देश कितना अपमानित होगा कि भारत जैसा देश सहिष्णुता के लिए जाना जाता है दूसरे देश में जाकर हत्या करा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, माय भारत। देश का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश, देश की राजनीति का सबसे बड़ा अखाड़ा, माय भारत बनेगा आम जनता की आवाज। अब होगी हर खबर की जमीनी पड़ताल। जुड़े रहिए सिर्फ माय भारत के साथ।